हाय दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS Excel बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देखकर आप MS Excel का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपने डाउट्स भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आपने हमारा एक्सेल का फर्स्ट वीडियो देखा होगा और उसी से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारे स्टाइल सेल के बारे में कि कैसे इस स्टाइल सेल का हम यूज करके हमारे टेबल पे या हमारे डेटा पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं और हमारे डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, और हमारा डेटा जो है वो हाईलाइट होगा इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले से ही एक डेटा रॉ डेटा आपके लिए रेडी रखा है, जिससे कि हम इसके ऊपर हमारी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर करके देख सकें और हमारा डेटा किस तरह से उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है वो हमें पता चले। इसलिए मैंने ये डेटा रखा है। आप सेम डेटा यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं हम बताती हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो तीन टैब्स दे रखे हैं या तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है और सेल स्टाइल्स है। जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका जो मेन यूज़ है दोस्तों, वो आता है हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन जब हमें प्रिपेयर करनी है, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, हमारी ग्रोथ दिखानी है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल रहती है। तो उसी का आज हम यूज़ करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में जाके आपको हाईलाइट सेल रूल्स दिख रहा होगा। अब हाईलाइट सेल रूल्स में आपको ये दिख रहा होगा ग्रेटर देन का ऑप्शन। तो दोस्तों, हाईलाइट सेल्स में जाके आपको ग्रेटर देन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस ग्रेटर देन का यूज़ क्या है कि अगर मुझे हमारे इस डेटा में केवल उन डेटा को शो करना है जो मान लीजिए 75 से जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको जो डेटा है वो हमारे पास में कस्टम फॉर्मेट में जाना है हमें, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे जो 75 से अबव जिनके मार्क्स हैं उन स्टूडेंट का जो डेटा है वो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने ओके किया और ये अप्लाई हो गया। आप देख रहे होंगे दोस्तों किस तरह मैं ये आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 75 टाइप किया और यहाँ पे जाके कस्टम फॉर्मेट में मैंने कलर सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट होते ही ओके किया। तो जो 75 से अबव मार्क्स थे, जैसे 78 आपको दिख रहा होगा और 76 दिख रहा होगा, ये अबव 75 थे तो इनका कलर चेंज हो गया है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि 75 से बिलो का जो डेटा है या लेस देन है, उनके मार्क्स मुझे डिफरेंट कलर में शो करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले हमारा सबसे पहले हमारी रो सेलेक्ट होनी चाहिए जो कि सेलेक्ट नहीं थी, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हाइलाइटेड रूल्स में जाके लेस देन के कॉलम पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने 75 सेलेक्ट कर लिया फिर से और मैंने कलर दे दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट, ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ फॉर्मेटिंग अवेलेबल है जिसमें हम हमारा डेटा शो कर सकते हैं। हमारे पास में बॉर्डर्स भी अवेलेबल है जिसमें हम शो करते हैं। तो हम हमारे हिसाब से डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर या फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। जैसे मान लीजिए मैंने ये पिंक कलर यूज़ किया तो यहाँ पे ये आ गया। जो भी डेटा हमारे पास में 75 से बिलो था वो हमारे पास में यहाँ अवेलेबल हो गया है डिफरेंट कलर में। अब मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास में डेटा है 75 बज गया। अब मुझे केवल इस 75 जो डेटा है उसको भी मुझे किसी अलग अलग कलर में यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल टू, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। यहाँ पे हाइलाइटेड सेल रूल्स में जाके इक्वल टू के ऑप्शन के ऊपर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी 75 लिखा हुआ आ रहा है। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया ऑरेंज कलर में, तो ये जो हमारे पास में अवेलेबल डेटा है ये मेरे पास में 75 जो है, ओनली 75 हमारे पास में इस कलर में आ चुका है।
तो देख रहे होंगे दोस्तों, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है, जैसा हमारे स्कूल की रिपोर्ट में भी होता है कि अगर कोई बच्चा फेल है या किसी के डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं, तो उसके ये सारी चीज़ें अलग से हाईलाइटेड होती हैं। तो वही चीज़ें मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया है, जो कि नॉर्मली आपने अपने स्कूल की रिपोर्ट में देखा ही होगा या कॉलेज रिपोर्ट में देखा होगा। अगर यही दोस्तों, अगर हमें, मैं इसकी पहले फॉर्मेटिंग क्लियर कर देती हूँ जिससे कि मैं आगे की आपको चीज़ें बता सकूँ। क्लियर फॉर्मेट का मैंने बताया था, कॉलम को सेलेक्ट करना है, क्लियर फॉर्मेट्स में जाना है, तो हमारी ये फॉर्मेटिंग सारी क्लियर हो गई है। क्योंकि ये क्लियर हो गई है तो यहाँ पे ये बॉर्डर भी क्लियर हो चुका है साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने किया, जब मुझे हाईलाइटेड रूल्स में जाके किसी डेटा के बीच में बिटवीन करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो सेलेक्ट कर रखा है हमारा, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर रखी है पूरे कॉलम को, अब मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि इस डेटा से इस डेटा के बीच में, मान लीजिए 35 से लेके 75 के बीच में जो डेटा है उसका कलर रेड हो जाना चाहिए या रेड बॉर्डर हो जानी चाहिए, तो वो डेटा हमारे पास में शो हो गया है। जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि 35 से जो भी नीचे डेटा होता है या पर्सन होता है, उसके मार्क्स अगर 35 से कम है या 36 से कम है तो वो फेल में आता है, तो वो रेड में ही शो होता है। तो उसके लिए भी हम अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे बिटवीन जो हमने सेलेक्ट किया था 35 to 75, उसको मैं नॉर्मल में कर देती हूँ। दोस्तों, हमने ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको करके दिखाई है, अब मैं इस सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देती हूँ। क्लियर फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, इस पे जाके मैंने फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है। अब आप देख सकते हो मैंने जो बॉर्डर सेलेक्ट कर रखी थी हमारे इन कॉलम की, वो हट गई है, तो मैं इसे ऑल बॉर्डर्स पे जाके वापस से अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स में हम जाके क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगर अब मैं यहाँ पे क्या हमारी कर सकती हूँ फॉर्मेटिंग, कि अगर पास लिखा हुआ है तो पास जनरली आपने और हमने भी देखा है कि वो किस में होता है, ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ऑलरेडी जो दे रखा है, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब बचा हमारे पास में फेल, जो फेल की है कंडीशन, उसको हमने देखा है कि वो ज़्यादातर रेड में होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते फेल। ये हमने पास की कंडीशन देख ली, अब अगर हमें फेल का लगाना है, फेल के लिए कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे जाके हम टाइप कर देंगे फेल एंड उसे हम रेड में कर देंगे, क्योंकि जनरली वो रेड में ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे पास हैं उनका ग्रीन में आ रहा है और जो फेल है उनका अलग से हमें रेड में हाईलाइट हो रहा है। तो ये एक और तरह की फॉर्मेटिंग हो गई जो मैंने आपको बताई है। दूसरी फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं, जैसे द अ डेट अकरिंग, मतलब हम किसी डेट फॉर्मेट, अभी जैसे मैंने यहाँ लिया नहीं है, लेकिन अगर हमें डेट का भी हाईलाइट करना है, मान लीजिए मेरे पास में कोई डेटा है जो 2021 का है और मई 2021 का है, वो मुझे हाईलाइट करना है या डे के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, 05 आज की जो डेट है, उस मंथ जो चल रहा है हमारा, उसमें मैं आपको करके बताती हूँ। ये मैंने डेटा एक एंटर किया, ये मेरी आज करंट डेट है, ठीक है, क्योंकि आज ये फॉर्मेट मेरे सिस्टम में यही फॉर्मेट लगा हुआ है, तो मैंने इसी फॉर्मेट में डाला है। आपके पास में जो भी फॉर्मेट में आपका सिस्टम में डला हुआ हो उसी में आप डाल सकते हो। अब जैसे आज डेट अकरिंग है, अब इसके लिए मुझे कंडीशन मैंने लगाई, जैसे आज की डेट मैंने डाली है, तो जो टुडे की डेट है उसमें ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो, मान लो मैं डालती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करती हूँ तो हम देखते हैं क्या ये अप्लाई होती है, नहीं होती है, क्यों, क्योंकि यह डेट आज की है ही नहीं, ये तो तुम यस्टरडे की डेट, सॉरी टुमारो की डेट है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं वापस टेक्स्ट में जाऊँगी, सॉरी
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस डेटा करिंग में जाएंगे, वहाँ पे टुमारो सेट करेंगे, वहाँ पे ग्रीन सेट कर लिया मैंने और ये ग्रीन में आ गई। देखा दोस्तों आपने, तो ये किस तरह से हमें, अगर हमें किसी पर्टिकुलर मंथ का या ईयर का या और किसी डेट का पर्टिकुलरली डेटा हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं, जब हमारे पास में इतना सारा डेटा अवेलेबल है, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ गई तो अगर हमें उसे सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल एफ कर करके क्या फाइंड करते रहेंगे? नहीं, इसका हमें इजी एक एक्सेस दिया है एक्सेल ने, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा मैंने जो सारे नेम लिए हैं वो यूनिक हैं, तो मैं किसी को डबल कर देती हूँ। मान लीजिए मैं कबीर को रमेश कर देती हूँ, ठीक है, अब डेटा डबल हो गया। मान लीजिए इस मौलिक को भी हटा के मैं का ही कर देती हूँ, ये दो सेम ले लिए मैंने डेटा। अब जब मैंने इस पूरे पूरे कॉलम को मैंने जब सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैं जाती हूँ हाईलाइटेड सेल रूल्स में और डुप्लीकेट वैल्यूज़ में, तो अपने आप इसने मुझे दिखा दिया डुप्लीकेट का कि रेड में करके कि ये डुप्लीकेट है। जैसे सूरज का ऑलरेडी डेटा जो था मेरे पास में वो डबल था, उसके अलावा रमेश का डबल है और उसके बाद में काही का डबल है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मुझे दिख गया। अब मैं जैसे ही इसे चेंज कर दूँगी, मान लीजिए मैंने इसको मनीषा कर दिया, ठीक है, चेंज हो गया डेटा, वो अपने आप कलर चला गया। काही की जगह मैंने कुसुम कर दिया, ठीक है, सूरज की जगह मैंने सौरभ कर दिया, ठीक है। तो ये डेटा क्योंकि डिफरेंट हो गया है, तो हमारे पास में वो सारी जो डुप्लीकेट वैल्यू की जो हमारी फॉर्मेटिंग थी वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट गई है। वो किस लिए हट गई है, क्योंकि हमने डुप्लीकेट वैल्यू हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये देखा आपने कि कैसे हमारे पास में जब बिग डेटा पे हम काम कर रहे हैं और हमें चेक करना है कि कहीं हमारे पास में डुप्लीकेट डेटा तो नहीं आ चुका है या डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो हमने एंटर नहीं कर दिए, तो उसके लिए हम ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे आपको ये मोर रूल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके हम खुद के स्पेसिफिक न्यू रूल बना सकते हैं हमारी टेबल के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है जो कि हमारे पास में रूल्स में अवेलेबल नहीं है, तो हमारे को ये चीज़ भी दी है एक्सेल ने कि हम खुद से अपना न्यू रूल बना सकें और उसे अप्लाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टॉप बॉटम रूल। इसके लिए हम जैसे हमारे पास में जो टोटल है, इस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस टोटल कॉलम को मैंने जैसे सेलेक्ट किया, अब टॉप बॉटम में क्या है, अगर मेरे पास में टॉप 10 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मतलब जिनके टॉप 10 मार्क्स आए हैं या जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए मैं टॉप 10 पे करूँगी। यहाँ पे अगर मेरे को फॉर्मेटिंग कुछ और चाहिए तो वो भी कर सकती हूँ, रेड टेक्स्ट कर दिया जैसे मैंने, तो वो रेड में आ गया। तो ये जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका देख रहे हो आप, 360 है, फिर उसके बाद 331 है, 319 है, ऐसे ही हमारे पास में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारे पास में डेटा जो टॉप 10 स्टूडेंट्स का है वो हमारे पास में आ चुका है। इसी तरह मैंने वापस से इस कॉलम को सेलेक्ट किया, मान लीजिए मैंने टॉप 10% जिनके टॉप 10% आए, तो उसमें भी वो सेम डेटा को ही हाईलाइट करेगा। ओके, ये हम परसेंटेज वाले कॉलम में भी लगा के देख सकते हैं। जैसे टॉप 10% का मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, टॉप 10% जिनके हैं उनको हमने शो कर दिया। जो टॉप 10% है वो दो ही है हमारे पास में, तो उसको इसने अलग कलर में शो कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हमें बॉटम 10 आइटम्स चाहिए या बॉटम 10% वालों की लिस्ट चाहिए और हम उसे डिफरेंट ग्रीन या येलो कलर में करते हैं, तो बॉटम 10 हैं वो हमारे पास में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बॉटम 10 के बाद में हमारे पास में आता है बिलो एवरेज। अगर हम एवरेज के ऊपर निकालना चाहते हैं कि जो बच्चे बिलो एवरेज है या एवरेज से अबव है, तो उसके लिए हम इस कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही कॉलम में वैल्यूज दे रखी है, तो अबव एवरेज इसने रेड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर दिया जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं को यही चीज़ इस पे अप्लाई करनी है कि बिलो एवरेज वाले उनको मुझे येलो में दिखाना है, तो वो येलो में आ गए।
ठीक है दोस्तों, तो दिख रहा होगा आपको किस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हम वैसे उसको कर सकते हैं। तो एक्सेल ने हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल कराए हैं जिसमें हम टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन हम खुद का एक न्यू रूल भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया था। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में डेटा बार्स। डेटा बार्स का क्या यूज़ आता है उसके लिए मैं आपको कॉलम सेलेक्ट करके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये मैंने सारे चारों कॉलम्स को सेलेक्ट किया, अब डेटा बार्स में जाना है। तो डेटा बार्स में क्या यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा कंपनीज़ में हम देखते हैं लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी सेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं या अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं, ग्रोथ रिपोर्ट दिखाते हैं, तो वहाँ पे बार्स का यूज़ करते हैं, बार्स में डेटा कैसे यूज़ हुआ है। तो इस तरह हम हमारे डेटा को बार्स में यूज़ करके बता सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें बताऊँ कि जैसे ये 35 है तो ये कम है परसेंट, तो ये अपने आप बार उसके हिसाब से आ रही है। जैसे ये 96 है, ये 95 है, तो ये पूरा कॉलम या सेल फिल किया हुआ है क्योंकि वो परसेंट के हिसाब से डेटा फिल हुआ हुआ है। तो इसी तरह ये अलग अलग कलर्स में होता है। इसके पास में इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि हमारे पास में ग्रेडियंट कलर भी है, हम ग्रेडियंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं या हम सॉलिड फिल, ये कलर ऑप्शंस है हमारे पास में। इसके अलावा अगर हम मोर रूल्स लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने लगाया कि मुझे केवल बार्स दिखे, मेरा डेटा शो नहीं होना चाहिए, केवल बार्स के थ्रू ही मुझे हमारी डेटा शो होना चाहिए, तो यहाँ से ये बार्स हाइड हो गई, बार्स तो अवेलेबल है, हमारा डेटा हाइड हो गया है। और वापस मुझे वो डेटा चाहिए तो आपको क्या करना है, मोर रूल्स पे जाना है, यहाँ पे शो बार ओनली, ओनली का हमें हटा देना चेकबॉक्स, तो हमारे पास में बार्स का डेटा भी दिख जाएगा। इसी तरह हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों जिससे कि हमारा डेटा अलग तरीके से शो हो। डेटा बार्स के अलावा नीचे हमारे पास में कलर स्केल, मान लीजिए मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में चाहिए, मैं पहले बार्स वाला डेटा हटा देती हूँ, यहाँ से बार्स वाली जो फॉर्मेटिंग है उसे डिसेबल कर देती हूँ। मान लीजिए ये जो मेरे पास में डेटा अवेलेबल है इसके लिए मैं जब जाती हूँ कलर स्केल्स में, तो कलर स्केल में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर मुझे कलर जो देखना है अपना, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा भी लग रहा है और हमें अपने डेटा के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें बतानी है, कुछ अलग से इसे शो करना है, तो ये हम शो कर सकते हैं। जो कलर स्केल है इसके डिफ़ॉल्ट में कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं जिनके बीच में डेटा शो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खुद से इन्होंने कर रखा होगा कि 50-60 के बीच में डेटा इस कलर में आना चाहिए या इस तरह से शो होना चाहिए, वो इसमें हो रखा है। इसमें भी हमारे पास में वही ऑप्शन अवेलेबल है कि हम मोर रूल्स में जाके और अपने हिसाब से कलर रेडिएंट और ये सारी चीज़ें हम चूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ का कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, उसके अलावा डिफाइंड ऑप्शंस भी हमारे पास में काफ़ी अवेलेबल है। देखा दोस्तों आपने, अब इसके अलावा अपन चलते हैं आइकन सेट्स पे। जैसे ये आइकन है, ये आपने आइकन्स देखे होंगे शेयर मार्केट का, जो हम न्यूज़ चैनल देखते हैं वहाँ पे आपने ये सारे आइकन्स देखे होंगे। उसके अलावा इस तरह के आइकन्स भी देखे होंगे आपने जो कि ज़्यादातर उसी चैनल पे हमें दिखाई देते हैं कि कैसे हमें ग्राफ का शो होता है कि कहाँ कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा डाउन में जा रहा है, उसे हम कलर्स में भी दिखा सकते हैं कि ये कलर्स में है। ठीक है, उसके अलावा शेप्स की बात करें हम, तो शेप्स भी हम डिफरेंट डिफरेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, हम येलो लाइट हम देखते हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स में, वो चीज़ें भी यहाँ से डिफाइन हो सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फ्लैग्स एंटर करवाना है, राइट रॉन्ग हमें दिखाना है, अगर आपने स्टार्स, जैसे अभी हम यूट्यूब पे चैनल देखते हैं या कहीं पे भी हमें स्टार के रिव्यूज़ देने होते हैं तो ये स्टार्स में जाके हम अप्लाई करते हैं सारी चीज़ें, जहाँ पे हम 5 स्टार, 4 स्टार, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ये आपको नेटवर्क का भी दिख रहा होगा, जैसे हमारे मोबाइल्स में हम देखते हैं हमारे पास में नेटवर्क का साइन आता है, तो वो चीज़ें भी अगर हमको दिखानी है तो वो डेटा में ही कन्वर्ट हो रहा है। आपको जैसे दिख रहा होगा डेटा वाला मैं सेलेक्ट करके कि 35-32 में बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि इसमें डेटा उस अकॉर्डिंग ही नहीं है कि उसमें इसमें नेटवर्क में शो हो सके। और जहाँ पे जैसे ये 96 है तो यहाँ पे सारे डेटा का जो है पूरा बार फुल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट हुई हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये आइकन सेट तक कर दिया है हमने, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लीजिए ये मेरी टेबल है, ये इसे ऑलरेडी मैंने सिंगल फॉर्मेट किया हुआ है, इसकी मैं सारी एक बार फॉर्मेटिंग क्लियर कर देती हूँ जिसे मैं आपको अच्छे से बता सकूँ।
ठीक है, ये मेरे पास में ऑलरेडी टेबल है जिसका मैंने करा हुआ है, लेकिन अब मुझे अलग तरीके से इसको सेलेक्ट करके टेबल फॉर्मेटिंग सिखानी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि कैसे हमें फॉर्मेट एज टेबल पे करना है, तो उसके पास में हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें हम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला किया या ये वाला सिंपल मैंने किया, तो अभी आप देख रहे होंगे तो फॉर्मेटिंग मेरी टेबल की ऑटोमेटिकली हो चुकी है, और जो सीरियल नंबर है वहाँ पे मेरे पास में ये ड्रॉप डाउन की लिस्ट आ रही है। तो मतलब ये क्या है, फिल्टर्स लग गए हैं। अभी मेरे को सॉर्ट करना है बाय कलर, स्मॉल टू लार्ज, और किस किस को कॉलम को, मान लीजिए मुझे इस कॉलम को या इस सेल को शो नहीं करना है, तो ये देखिए वो सेल गायब हो गया। मैं कंट्रोल जेड से वो लेके आ जाती हूँ वापस से हमारे पास में, और वापस से मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए 102 जो कॉलर सेल है उसे मुझे शो नहीं करना है, तो 102 नहीं शो हो रहा है। अगर मुझे शो करना है तो वापस मैं फ़िल्टर पे जाके चेकबॉक्स को कर देती हूँ और हमारे पास में वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम हमारी टेबल में ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास में फ़िल्टर का ये आ जाएगा, जो कि दिखने में भी काफ़ी लुक वाइज ईजी रहता है, अच्छा भी लगता है, और हम उसके हिसाब से हमारी फॉर्मेटिंग्स भी अप्लाई करनी है तो वो भी कंडीशन लगा के हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को सेल, जो पर्टिकुलरली मेरे सिंगल सेल हैं, उसकी फॉर्मेटिंग अगर मुझे अप्लाई करनी है, तो देखिए वो भी हमारे पास में ऑटोमेटिकली हमें एक्सेल ने प्रोवाइड कर रखी है प्री डिफाइंड। जैसे बैड या गुड इस तरह में मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे ये पूरी रो ही इस तरह से सेलेक्ट करनी है। ये पूरी रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसमें मुझे ये बेड, तो ये देखा आपने किस तरह से कलर में आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करके देख सकते हैं दोस्तों। और फॉर्मेट टेबल की बात ये है कि न्यू टेबल स्टाइल भी अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम क्रिएट करके यहाँ पे देख सकते हैं, और फॉर्मेट हमारा बना सकते हैं कि हमें किस कलर में चाहिए, क्या उसका स्ट्राइक थ्रू रहेगा नहीं रहेगा, क्या उसके बॉर्डर रहेगी, क्या हम कलर फिल करना चाहते हैं, तो वो सारे हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल हैं हमेशा से ही। तो वो आप जैसे भी कर करके अप्लाई कर करके देखेंगे आपको चीज़ें ईजी होती जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, तो ये आज हमने सीखा कि कैसे हम हमारे डेटा की फॉर्मेटिंग कंडीशन के ऊपर लगा के कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे फॉर्मेट टेबल भी बना सकते हैं जिसमें हमारा डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा, उसके अलावा हम केवल एक सिंगल रो को या सेल को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। हमने और भी बहुत कुछ सीखा आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इफ़ कंडीशन का हम कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ की और भी चीज़ें होती हैं जैसे इफ एंड, इफ और, और नेस्टेड इफ, तो इन सब के बारे में हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ में बनी रहिए और सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आपके लाइक से हमें पता चलता रहेगा कि आपको हमारा वीडियो कितना अच्छा लग रहा है, और आप इसे शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सयोनारा।